लोगों को कुछ रहा, वो आदमी नहीं हो सकते ना वो नेता हो सकते, वो तो गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम कर। लखीमपुर खीरी हिंसा और किसानों की दर्दनाक मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। लगातार किसानों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे राकेश टिकैत ने अब सरकार को चेतावनी दे डाली है, लेकिन सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठे है। नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं द जनता। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत को लेकर जहां एक तरफ किसान संगठनों में गुस्सा बरकरार है, तो वहीं विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी लखीमपुर खीरी में डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास करीब एक हफ्ते का समय है। राकेश टिकैत ने इस दौरान भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। किसान नेता ने लखीमपुर खीरी से जुड़े मामले के बारे में बात करते हुए कहा कि जिन्होंने भी लोगों को कुचला, ना तो वो आदमी हो सकते हैं और ना ही वो नेता हो सकते हैं, वो तो खूंखार लोग थे। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास अभी भी वक्त है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भी मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं वो अपनी जुबान पर लगाम दे और पहले गिरफ्तारी और इस्तीफा देकर ही बयान दे। सरकारों के पास 7 से 8 दिन का वक्त है। इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत ने सरकार के सामने पेश की गई अपनी मांगे बताई। पहला तो मंत्री का इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी, इसके बाद उनके बेटे यानी आशीष मिश्रा की भी गिरफ्तारी, तीसरा मुआवजा दिया जाए जिसमें घायल भी शामिल है। टिकैत ने कहा कि घायलों को 10-10 लाख रुपए और जो दूसरे लोग हैं उन्हें 45-45 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ितों को नौकरियां भी दी जाए। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बेहद कड़ा फैसला लेंगे। टिकैत ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी और उसके बेटे की तय समय में गिरफ्तारी, रिटायर्ड जज की कमेटी में निष्पक्ष जांच सहित सभी मांगे सरकार किसान शहीदों के भोग से पहले पूरा करे, वरना संयुक्त मोर्चा बेहद कड़ा फैसला लेगा। अब देखना तो ये है कि क्या सरकार टिकैत की बातों को गंभीरता से लेते हुए एक हफ्ते के अंदर उनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर चुपचाप माहौल की तब्दीली का इंतजार करेगी। खास खबरों के लिए बने रहे द जनता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।